हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और आप देख रहे हैं गुप्ता जी टेक्निकल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि स्मार्टफोन सारे बहुत ज़्यादा हैं और उसी हिसाब से अब स्मार्ट वॉच भी बहुत लोगों के पास आ चुका है, मगर स्मार्ट वॉच लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को आती है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सही करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाला हूं कि जैसे अगर आपका स्मार्ट वॉच बंद हो जा रहा है, बैटरी कम चल रही है, बैटरी का प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, जो इस वीडियो में आप लोगों को दो मिनट में मैं सही करके दिखाऊंगा, सिर्फ इसके वजह से, क्योंकि ये है माचिस और ये हमारे पास है स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच में अगर प्रॉब्लम ये आ जाती है, कभी कभी आप लोग पहनते हैं वॉच तो यहाँ से जो है कि पसीना जो होता है, इसके वजह से आपका स्मार्ट वॉच जो है कि बंद हो जाता है। तो बंद होने के कारण आप लोग यूज़ नहीं कर पाते हो, उसे फेंक देते हो या तो बेकार हो जाता है वो। तो इस वजह से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये कैसे स्मार्ट वॉच आप ऑन कर सकते हो माचिस के जरिए, क्योंकि माचिस एक ऐसा चीज़ है कि जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सही भी कर सकता है और ख़राब भी कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर कर दीजिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास ये दो स्मार्ट वॉच है, ठीक है। एक यहाँ पे नॉइस का स्मार्ट वॉच है और एक जो है यहाँ पे फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच है। आप देख सकते हैं ये दो स्मार्ट वॉच है। तो हमारे जब हमारा स्मार्ट वॉच जो है कि बंद हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आप लोग सही नहीं कर पाते। तो देखिए, आप लोगों को ध्यान से दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो डॉट होती है, ठीक है, दोनों वॉच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डॉट है, दोनों वॉच में आपको दो डॉट दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब पहनते हैं वॉच, स्मार्ट वॉच, तो यहाँ से जो पसीना होता है उसकी वजह से ये जो दो डॉट है यहाँ पे कार्बन आ जाता है। तो कार्बन आने के बाद जो कार्बन आ जाता है यहाँ पे, जैसे आप लोगों को कभी कभी दिखेगा ना, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखता है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखता है कार्बन की वजह से। तो वो उसके वजह से आपका जो चार्जिंग केबल होता है जिससे आप चार्जिंग करते हो वो चार्ज नहीं होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए मैं दोनों को बैक कर लेता हूँ और यहाँ से आपको माचिस की तीली निकालनी है एक, और माचिस की तीली ऐसा हो कि कड़क हो, ठीक है, नया माचिस का तीली हो। और ये तीली से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्क्रैच करना है। ये स्क्रैच करने से क्या होता है कि जो आपका कार्बन होता है स्मार्ट वॉच का, यहाँ पे जो कार्बन लगा होता है जिसके वजह से स्मार्ट वॉच ऑन नहीं होता है, तो इसको कार्बन को आपको माचिस की तीली से सिंपली, ये माचिस का तीली है, यहाँ से आप जो है कि स्क्रैच करेंगे तो वो कार्बन जो है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद जैसे ही आप चार्जिंग लगाएंगे यहाँ पे, जैसे ही मैंने ये चार्जिंग लगाया तो ये स्मार्ट वॉच जो है कि ऑन हो चुका है। तो इसी तरीके से आपके भी कोई भी स्मार्ट वॉच हो जो कि ऑफ हो, बंद हो, बेकार हो गया हो, तो उसको इस तरीके से कार्बन हटा के आप इंजॉय कर सकते हैं, चार्ज स्मार्ट वॉच को चालू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है, ये घर बैठे आप कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा, आप कोई भी स्मार्ट हो आप उसे ऑन कर सकते हो। तो गाइज, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने फ्रेंडों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।